गढ़ खड़नाड़े से रे भावल में वन देव जे। ये मैंने सुना ना आप सभी ने, क्या बात। देखिए जो फिरिया जी महाराज अपनी भोजाई ने बोल, अपनी भोजाई ने बोल सेन नहीं हुए। तेजा जी महाराज जी भोजाई बोले देवर जी इतरो काई भूखे भूकालो लोड़ा देवर रे, अरे लावनी फड़नोड़ी बेटी बाप के। तेरे जना से बोल काड़ने लगा क्योंकि सेल शब्द दो एक है जानी कलवी घात, सेल कलेजे बैठ जा तो शब्द कलेजे। तेरे जना के भुजई सा वो तेजो वो फलका बीन नहीं रहा तरही जी नहीं। तेजा से महाराज देखिए 30 वर्ष की उम्र में अब तेजा जी महाराज ने पढ़ना है तो तेजा जी महाराज जो विवाह पीड़ा पोतड़ा में हो मात्र 6 महीना की अवस्था में तेजा जी महाराज बड़ा गया। तेजा जी ने पतो नहीं चालियो, तेजा जी ने भोजाई, तेजा जी ने मोसो बोल दियो। तेजा जी महाराज बोले भोजाई सही बात को मने इतनी तो जान को नहीं हो। अब ओ तेजो फलका बीनी के हाथ रही खाए। देखिए वो सूरी मात्र 30 वर्ष की उम्र में पहली बार अपने ससुराल गया, रात्रि का समय था और भी रात्रि समय में एक लाचार गुजरी नामरी कोई अजी गाय की सेवा करती कि गुजरी गाय ने बेना चोर ले गया। बा गुजरी थोड़ी थोड़ी रात्रि 12 बजे रो टाइम तेजा सिंह महाराज ससुराल में पनेरा रे गांव री कांकड़ में और गांव रे गवाड़ में रात में आ रोने लागी कुलाने लागी। बोले ई गांव में यदि कोई सूरवीर होवे तो मेरा चोर मारी गाया ले गया, कोई शुरू होवे तो मारी गाया ने घेर ले रहा। गांव रो में कोई निकलियो नहीं, जोर जोर से रोने लागी। तेजा सिंह महाराज खड़ा और बारा आया बोले हे देव तू रो क्यों रही है, कई बात है रात का समय है। बोले जीजो साहब मारी गाया मेरा चोर ले गया, गाया बिना मैं रह नहीं सकूं और मेरा चोर मारी गाया ने काट देगा मार देगा। ये गांव में कोई सूर नहीं रोए तो मारी गाया ले रहा है। तेजा सिंह महाराज गाय ने अपनी मां मानता और गाय की सेवा करता तो तेजा जी महाराज ने मन में दया ही बोले सूरवी रो मत के यदि थारी गया मैना चोर लेगा तो वो धोड़ो जा थारी गया ले आए। रात को समय देखिए वो सूरवी पहली बार तो अपने ससुराल में गया था 30 साल की उम्र में पहली बार और उसी रात को भी गुरुजी की बात सुन तेजा जी महाराज घोड़ी चढ़ने लगा। तेजा जी की पत्नी प्रेमल बोले पति देव कई वर्ष तू तो थारो चेहरो देखियो है, कई वर्षों के बाद में थारी शक्ल देखी है, आज तो रुक नहीं रही हो जा पति। तेजा जी महाराज के नहीं यदि मेरा धर्म रहेगा मैं रहूंगा और मेरा धर्म ही नहीं रहेगा तो मेरे रहने का कोई फायदा है नहीं, क्यों सबसे बड़ा मेरा धर्म है और मेरे धर्म में इस गाय को मां बताई है और मेरे मां की रक्षा करना मेरा अभी फर्ज है। यदि जीव तो रहे हो तो मैं थारे घर पाछो जरूर बोला फिर मर गयो तो गाय माता रे लेख है। अब तेजा जी महाराज भी लाचार गुजरी गाय लेने वास्ते गया, गांव रे बारे निकलिया एक नाग देवता आदमी ने मारे बोल रही हो जल्दी में ना तो तेजा जी महाराज दया आई भाला सो भी नाग ने मारे काजो ये नाग देवता कह रहे तू है कौन, मैं स्वर्ग में जातो तू मने नरक में क्यों ले, तू मने मरता में बचायो है मैं थारे नंग लगाऊं मैं तने मारूं। तेजा जी महाराज के बेटे बाबा के तो भलो काम करियो है, मैं तो भलो करियो मने दया आई मैं तने बचायो एकदी तुम्हें तो गुस्सो आयो तू मने मारी दंग लगाई घेर लगाई तुम्हारो वचन है पहले मैं जब लाचा गुजरी गया लाऊं फिर बाद में मारो वचन मैं थारे बंबी माते जरूर हाजिर हो जाऊं। बोला तेजा जी महाराज लाचा गुजरी गया बोला एक गाय बिना और पाचा नाग देवता की बंबी माते गया क्योंकि वचन दियो रो सबदा मारिया मर गया सबदा छोड़ो राज जिंदगी सबद विचारिया हमारा सरिया तू सती नार सूरा गणेर बट भागण दातार की लक्ष्मी तो भक्त गणेर आ सगड़ा में साधा। तेजा जी महाराज नाग देवता की बम्बी मत गया जा रहे नो करे नाग देवता अरे सूरा हो बाबा यरिया मोवा सगड़ा जाओ सूरा हो बाबा यरिया मोवा सगड़ा जाओ ओ थाने बुलावे बेटो अरे गाजो गाजो जे थे साड़ ते जा रे लग तो गाजो रे साण भाती हो
नाग देवता सूता तेजा जी आवाज सुनी पर नागनी दौड़ी दौड़ी आई बोले रात रो समय क्यों आधा करे आठ मौत है एलओसी पार करायो लाइन ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तानी सीमा में बढ़ गयो तू अटू भाग रहा तो मौत है तेजा जी महाराज के थारा पति देव ने जगा को जार ओ तेजो जी तेजो धुलो जात बचना रूमा नु थारे भूमि पर आयो दिन जगा के बारे में पर नागनी सारी बात बतावे नाग दौड़ो दौड़ो आवे मन में विचार गयो रे ई दुनिया में लोग तो घणा ही देख्या पर तू केड़ो पेलो आदमी है जो वचना रो मन रो पाछो आयो एर मारे को गयो पाछो आज तक ही कोई आयो के जो मारे को आ तो मौत है तू वास्तव में कोई सूर भी है जा तेजा मैं तुझे माफ करियो मैं थरा दंड नहीं लगाऊ तेजा जी महाराज कह रहे हैं मैं वो जात नहीं हूं मैं मारो वचन निभायो तू थारो कॉल निभा मैंने मेरा वचन निभाया और तू तेरा जी कोल निभा नाम देवता के ओ पक्को जाट है ओ बेटो पक्को जाट है और नहीं जावे अरे भाग जा तू यहां मैं तने छोड़ दियो जाऊं कोली दंग लगा नाम देवता के मन नहीं जीती है दंग लगानो पर सुनना तेजस्वी महाराज के शरीर पर घाव और जगह जगह पर खून आ रही लेकिन नाग देवता मानो बनावे बोले मैं तेरा दंग लगाऊं बैठे था तो आतंक में पूरा शरीर पर खून ही खून आ रियो है और गावा पर वास्तव देवता नशे नहीं है तेजा जी महाराज कहने लगा नाग देवता एक तुम्हारे हाथारी हथेलिया तुम्हारी है जबकि एक मारी जीव तुम्हारी है आप चाहो ढंग लगा लो अब तेजा जी महाराज माने नहीं सुना तो नाग देवता परेशान हो और तेजा जी महाराज ने कहे अब मैं तर रंग लगू पर मारो वचन है कि दुनिया जब तक आ दुनिया रे वेला तो दुनिया में थारो नाम अमर रे वेला तेजा जी महाराज देखिए सुनना तेजा जी महाराज नाग देवता रंग लगू ने लागा रंग लगू सुन पहली एक बात कही और नाग देवता ने बड़ी सुंदर बात कही आज कायो हारो ने धोयो जीतियो आज कायो हारो ने धोयो जीतियो आज कायो हारो ने धोयो जीतियो पूरी जात या हमेशा काला और घोड़ा के बीच में बेर रहियो है आज तक कायो कभी हारियो कोनी है धोयो आज तक खड़े कभी हारियो को नहीं है ढोलियो मारो सो कभी जीतियो को नहीं है आज दुनिया में पहली बार कोई ढोलियो जीतियो है एर को आज नाग देवता हारियो है वही सत्यवादी ने तेरा महाराज की तेरा जी महाराज नाग देवता दंड लगायो तेरा जी महाराज मूर्छित तो होने लगा तेरा जी महाराज कटा घोड़ी पर बैठा नाग देवता घोड़ी पर चढ़ दंड लगायो अब आप घोड़ी इतनी बड़ी समझदार ही घोड़ी आंचल टपक 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 तेजा जी महाराज मूर्छित होता था देख लियो नहीं क्यों लगा ले लियो मारो तो हंसलो हमारा पर जा रही है तू तो जीती है तू मारी आस है लेकिन थने मारा गांव में जानो है मारा परिवार वाला ने मारा माता पिता ने मारा घर वाला ने मारा गांव वाला ने मारा राम राम तेरा है तूने लगा ए ले ले भाभी जय 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 खड़ खड़ नारे से खड़ खड़ नारे से ये भावल ने नीवन दे वन वन टू थ्री चार
जीवन में नहीं
ने बड़ी सपोर्ट सभी ने की थी शानदार जिंदगी है जब सब लोग में जान देना और ताली बजाना आनंद आए तो और मुझे पता है सभी को ये लाइन याद है अरे प्यारी लीला में तू मारी है जगो मारे तुम्हारी है चको रे मारे बाल जिया